एमपी कौन है, मुंडा कौन है थे? इट्स अ वेरी मेजर क्रैश यार, एमपी कौन है, मुंडा कौन है थे? तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ये मेरी आंख देख सकते हैं आँख के पास, और अगर मैं आँख बंद करता हूँ तो आप लोगों को दिख रहा होगा कैसा ब्लैक पड़ गया है, और ये गाल के पास गड्ढा सा हो गया है, और यहाँ पर दो ठो मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं मुझे हाथ पे, एक कलाई पर है, ठीक है। और ऐसा कुछ हाल हुआ मेरा, ये जो राइट थी सच पास और वैष्णो देवी राइड के पास, जब मैं लौटा तो रॉन्ग साइड से गाड़ी वाले ने ठोक दिया, कार वाले ने, तो ये थोड़ा मेरे साथ गलत हुआ है, पर कोई बात नहीं। और मेरी जो सबसे अच्छी बाइक थी जिसे मैं बहुत चाहता था, वो जल के खाक हो गई है, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस था तो अब इस पर कुछ मिलना नहीं है मुझे, तो अब आपका जो राइडर है बिना बाइक का हो गया है। तो बहुत दुखी हूँ मैं इस मामले को लेके, बहुत अपने आप से परेशान हूँ कि मैं नई बाइक खरीदने में मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, और दोबारा रोड में उतरने में भी काफ़ी टाइम लगने वाला है मुझे। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है। ये देखिए, यहाँ से ये स्टार्ट है, ये देखिए नीला पीला पड़ा हुआ है, ये देखिए पूरा मोटा सूजा हुआ है, ये देखिए आपको अलग से दिख रहा होगा, ये देखिए पूरा सूजा है, यहाँ स्वेलिंग है, और दूसरे पैर, ये देखिए दूसरे पैर में यहाँ स्वेलिंग है, और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए पूरा नीला पीला हो गया हूँ मैं। और ये रहा मेरा हेलमेट, SMK का हेलमेट है, और इसने मेरी काफ़ी रक्षा की है। सामने का इसका ग्लास टूट गया है बस, और कुछ नहीं गया है, और काफ़ी मजबूत है, और इसमें कुछ हुआ भी नहीं है। मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए बढ़िया हेलमेट है, और जो कैमरा लगा हुआ था हमारा जिससे हम ब्लॉक करते थे, वो कैमरा टूट के गिर गया, और बाकी हेलमेट में कुछ नहीं हुआ है। और जो मेरा राइडिंग जैकेट पैंट है मैं उसमें भी दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये DSG गियर्स के पैंट हैं, कुछ भी नहीं हुआ ऐसे। ये देखिए फ्रंट में मुझे पाँव में चोट लगी है, थोड़ा सा हल्का सा फट गया है नीचे, शायद उतारते समय फट गया होगा, बाकी ऐसा कुछ भी इसमें इशू नहीं हुआ। वो मेरी जैकेट डली है उसमें भी कुछ इशू नहीं हुए हैं। और बाकी मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्या हुआ है, और कैसी गाड़ी की हालत है, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए गाइज मुझे। अब मेरे पास बाइक तो नहीं आ पाएगी, मुश्किल है, पर आप लोग दुआएं करेंगे और हम ऐसे ही लगे रहेंगे तो शायद हमारे पास न्यू बाइक आ जाए। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और थोड़ा बहुत प्यार चाहिए मुझे। दुआएं तो आप लोगों की थी, और मेरी फैमिली की, मेरे दोस्तों की, बड़े भाइयों की, और मेरे जो क्लब मेम्बर्स हैं सभी की दुआएँ थी, उनकी वजह से मैं बच गया, और मेरे जो बजरंग बली हैं, और माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आया था तो माता ने भी बचा लिया मुझे। तो ये काफ़ी था, और ये देख सकते हैं काफ़ी होगा, और एब्डोमेन में थोड़ी स्वेलिंग है मेरे, और ये जो पैर है इसमें स्वेलिंग है सामने, आप देख सकते हैं, बहुत बुरी हालत है मेरी अभी, मैं निंग नहीं पा रहा हूँ इस पैर की वजह से। और यहाँ पर दो मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं हाथ पे, बाकी सब ओके है। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जिसमें एक्सीडेंट की घटना है जहाँ पर हुई है, वो दिखाता हूँ।